हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का खास महत्व है। इसे पवित्र और लाभकारी माना गया है। देश के ज्यादातर घरों में सुबह और शाम को तुलसी के पौधे की आराधना की जाती है। तुलसी के पौधे का गुणगान तो पद्म पुराण, ब्रह्मा वैवर्त, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुण पुराण में भी बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कोई भी पूजा अधूरी होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा भोग में हनुमान जी को लगाया जाता है, क्योंकि उन्हें वह बहुत प्रिय है। मान्यता अनुसार तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाने से और देखभाल करने से इंसान के पहले के जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही तुलसी के पत्ते को गंगा जल के साथ मृत्यु के समय लेने से व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और आत्मा को स्वर्ग में जगह मिलती है। तुलसी के पत्ते और गंगा जल को कभी भी पूजा में बासी नहीं माना गया है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद और विज्ञान में भी तुलसी के पौधे का खास महत्व बताया गया है। नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पत्ते खाने से शारीरिक ऊर्जा नियंत्रण में रहती है, साथ में इंसान की उम्र भी बढ़ती है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक गुण तुलसी के पौधे में पाए जाते हैं। ये गुण शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि वास्तु संबंधी दोष उन घरों में नहीं होते हैं जिन घरों में माँ तुलसी का पौधा होता है। घर के उत्तर और पूर्व कोने में तुलसी के पौधे को लगाना सबसे शुभ माना गया है। वहीं घर के दक्षिणी हिस्से में तुलसी के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दोष उत्पन्न होते हैं। मान्यता है कि दांतों से तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए, बल्कि एक बार में ही इसे निगल लें। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि पारा तुलसी के पत्तों में पाया जाता है, जिसे चबाने से वह खराब हो जाता है और हमें शारीरिक फायदा नहीं पहुंचाता। अगर आप भी अपने घर के वातावरण को शुद्ध और शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो घर में जरूर तुलसी का पौधा लगाएं और सेवन भी करें।